Assalamualaikum dear students, this is Ahmed Raza Dharolia. I've been teaching O and A level accounting since last 12 years in various educational setups. मेरे बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मेरी पर्सनल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ard.com.pk। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये learnedguys.com के बारे में। सर learnedguys.com क्या चीज़ है? सर ये एक एजुकेशनल सेल्फ पेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर ओ एंड ए लेवल अकाउंटिंग स्टूडेंट्स। learnedguys.com की मेंबरशिप आपको क्यों लेनी चाहिए? मे बी आप एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग की CIE की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं लेकिन आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं, या आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं लेकिन आपकी स्कूल और कॉलेज की क्लासेस मिस हुई हैं, या आप रेगुलरली स्कूल जाते हैं लेकिन आपको जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं वो आपके टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि टीचर अपने प्लान से चलते हैं और किसी एक बच्चे की वजह से वो अपना प्लान ऑल्टर नहीं कर सकते। आप कोई ट्यूटर अकेडमी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि आपको अफोर्डेबिलिटी के या ट्रैफिक के कन्विंस के कोई प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे मसाइल का हल हम लेकर आए हैं आपके लिए learnedguys.com। इसमें आपको मिलता क्या है? learnedguys की सब्सक्रिप्शन में आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो लेसन्स मिलते हैं, 5 to 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियो लेसन्स होते हैं ईच टॉपिक और सब टॉपिक के। इसके अलावा सॉल्व पास्ट पेपर्स टॉपिकल्स आपको मिल जाते हैं सारे टॉपिक्स के, बी एट आपका P1 है, MCQs पेपर 2 है, या A लेवल्स वालों के लिए P3 या P4 है। इसके अलावा आपको 2014 से लेकर 22 तक के ईयरली पास पेपर्स के वीडियो लेसन्स भी मिल जाएंगे और सॉल्ट PDFs भी मिल जाएंगी। गर्ज ये कि हर वो चीज़ जो ज़रूरी है आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल करने के लिए और ए या ए स्टार स्कोर करने के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट के लिए बेटा हम आपसे जायदाद में हिस्सा नहीं मांगेंगे। इसकी कॉस्ट लिखी गई है 3000 पर मंथ, और ट्राई बिफोर यू बाय भी अवेलेबल है, फ्री वीडियो लेसन्स भी अवेलेबल है, आप वो देखें और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हो तो फिर आप कंसिडर करें सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए। जज़ाकअल्लाह जी बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।